फ्रेंड्स, दिस इज सुमित जो गिटार इंस्ट्रक्टर ऑन यूट्यूब। मैं आपको 20 लेसन्स में गिटार के बेसिक्स करवाऊंगा, बेसिक्स फॉर द बिगनर्स। उन बेसिक्स में आप क्या कवर करेंगे? उन बेसिक्स में आप कवर करेंगे कॉर्डिंग लाइक दिस। इस तरह से आप कॉर्ड प्ले करके रिदम प्ले कर सकेंगे और उसके साथ साथ आप लीडिंग प्ले करेंगे लाइक दिस। इस तरह से लीडिंग एंड कॉर्डिंग, ये दोनों पार्ट्स आपको आफ्टर 20 लेसन को करने के बाद आप कवर अप कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरे लेसन को करने के लिए, सीखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे ऑन यूट्यूब। तो हमारा जो पहला लेसन होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार और पार्ट्स ऑफ द गिटार। डियर फ्रेंड्स, गिटार कैसे बजाएं ये बताने से पहले गिटार कहाँ से आई मैं इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा। इसका ओरिजिन कैसे हुआ? स्पेन में आज से 4-7 साल पहले इसका ओरिजिन हुआ। वहां पे एक टू स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ल्यूट देखा गया, जिस इंस्ट्रूमेंट को देखने के बाद वहां के लोगों के मन में ख्याल आया कि हम कुछ ऐसा डेवलप करें, बनाएं जो इससे बेटर हो। पर कुछ समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया और कुछ समय के बाद वहां पे फोर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देखा गया, किथारा। किथारा को देखने के बाद लोगों ने सिक्स स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम रखा गया गिटार। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट स्पेन में उसका ओरिजिन हुआ था, इसे इसलिए स्पेनिश गिटार कहकर पुकारा जाने लगा। ये गिटार जब बनाया गया तब अपने साइज में काफी बड़ा था। जिस साइज के इस समय गिटार मार्केट में अवेलेबल है, आजकल बहुत तरह के साइजेस मार्केट में अवेलेबल है गिटार के, उस समय जो बना वो इससे काफी बड़ा था। तो समय के साथ साथ उसके साइजेस में परिवर्तन आता गया। अब इसके आगे हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ द गिटार के बारे में। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको पार्ट्स ऑफ द गिटार के बारे में बताना चाहूंगा। दीज आर सिक्स ट्यूनिंग कीज, इन्हें सिक्स ट्यूनिंग कीज कहा जाता है। ट्यूनिंग कीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होती हैं। इस पोर्शन को हेड कहते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी के अपर पार्ट को हेड कहा जाता है और उसमें ब्रेन होता है जो कि पूरी बॉडी के कार्यों को नियंत्रित करता है, उसी तरह से ये हेड जिसमें ट्यूनिंग कीज लगी हुई है, ये पूरे बॉडी को, पूरी गिटार की बॉडी को नियंत्रित करती है। मतलब ये कि ट्यूनिंग कीज को टाइट यूज करने से ही गिटार ट्यून्ड अप होता है। अगर यही खराब हो तो आप जितना मर्जी अच्छा गाना बजा लें वो पहचाना नहीं जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए जब ये स्ट्रिंग्स अपने अपने ट्यूनिंग की से निकलती हैं तो जिस हिस्से से होते हुए गुजरती हैं उस हिस्से को नट कहते हैं, NUT नट। कुछ लोग इसे छोटा ब्रिज कह के भी पुकारते हैं पर नट इसका प्रचलित नाम है। जो पार्टीशन आप देख रहे हैं इस हिस्से में, ये पार्टीशन जो देख रहे हैं ये है, ये है, इन दोनों के जो बीच की जो जगह है इसे फ्रेट कहते हैं, FRET फ्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गिटार का। ये क्वांटिटी में, नंबर्स में गिना जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। माय डियर फ्रेंड्स, इस फ्रेट बोर्ड और फिंगर बोर्ड के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, दीज आर सिक्स स्ट्रिंग्स। ये नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग में आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद इस हिस्से को कहते हैं साउंड होल। साउंड होल में जब एयर जाती है, आप हिट करते हो, इसके अंदर एयर जाती है, वाइब्रेट होती है और वो साउंड आती है। इलेक्ट्रिक गिटार में साउंड होल्स नहीं होते हैं, वो पूरी आयरन से बनी रहती है, इसलिए उसकी आवाज बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना के बराबर आती है। इस हिस्से को ब्रिज कहते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल ब्रिज का फंक्शन होता है, ये स्ट्रिंग्स को अपलिफ्ट करता है ताकि हम स्ट्रिंग्स को दबा सके फ्रेट्स पे और अलग अलग आवाजें आ सकती हैं। इस हिस्से को बेस और साउंड बॉक्स कहकर पुकारा जाता है। दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द गिटार, जो कि आपको बताना आपके लिए बहुत जरूरी था। डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ द गिटार बताने के बाद अब हम बात करेंगे गिटार को बजाना कैसे है। तो गिटार को हाथों से भी बजाया जाता है लाइक दिस, और इसको प्लेक्ट्रम से भी बजाया जाता है। आप सोच रहे होंगे प्लेक्ट्रम कैसा होता है? प्लेक्ट्रम कुछ इस तरह से होता है, ये त्रिकोण शेप में होता है। इसके कई तरह के शेप अवेलेबल होते हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे ये त्रिकोण शेप में है, ये थोड़ा अंडेकार शेप में है, इस तरह से अलग अलग शेप्स में इसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो इसको बजाने के लिए आप किसी भी तरह के प्लेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अच्छा रहेगा एक नॉर्मल साइज का त्रिकोण शेप का आप प्लेक्ट्रम यूज करें जिसकी हार्डनेस ज़्यादा ना हो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्ट्रिंग्स के नाम क्या हैं इसके बारे में बताऊंगा। हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये इस तरह से, ये ई स्ट्रिंग कहलाती है नीचे से। उसके ऊपर जो दूसरी स्ट्रिंग है वो बी स्ट्रिंग कहलाती है।
उसके ऊपर जो तीसरी स्ट्रिंग है वो जी स्ट्रिंग कहलाती है, उसके ऊपर जो फोर्थ स्ट्रिंग है वो डी स्ट्रिंग कहलाती है, उसके ऊपर जो फिफ्थ स्ट्रिंग है वो ए स्ट्रिंग कहलाती है, और उसके ऊपर जो सिक्स्थ स्ट्रिंग है वो ई स्ट्रिंग कहलाती है। फिर से कहने का अर्थ है ई बी जी डी ए ई। तो अब मैं आपको स्ट्राइकर की पहली प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत जरूरी है आप सबके लिए। तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिकल फर्स्ट प्रैक्टिस। आपने पहले स्ट्राइकर को पकड़ना है इस तरीके से, यह आपका स्ट्राइकर है, यह आपके फिंगर है। फोल्ड योर फर्स्ट फिंगर लाइक दिस, लाइक दिस। कीप इट योर स्ट्राइकर हियर, कीप योर थंब अबाउट हियर। जब आपने इस तरीके से पकड़ लिया, ये आपकी ग्रिप बन गई, ये आपकी फिंगर फ्री होनी चाहिए, इसमें कोई स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए। जब आपकी फिंगर फ्री है, आपने ये फिंगर सीधे रखनी है और स्ट्राइकर से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। इस तरह से चार बार आप डाउन अप करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे, फिर आप मूव करेंगे सेकंड स्ट्रिंग पे, फिंगर को थोड़ा एडजस्ट करते हुए डाउन अप डाउन अप डाउन अप। फिर थर्ड पे, फोर्थ पे, फाइव पे, सिक्स पे। अभी आपने सिर्फ ये स्ट्राइकर की प्रैक्टिस आपको मैंने बताई, आप इसको अच्छी तरह से रिहर्स करें ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको जब डाउन अप स्ट्रोक करने के लिए बताया जाए आप इजीली इसको कर सकें। डियर फ्रेंड्स, जो भी आपको मैंने डाउन अप स्ट्रोक बताई जो कि हर एक स्ट्रिंग पर होनी है, अब मैं उसका आपको बेनिफिट बताना चाहूँगा। क्या होता है कि जब आप गिटार शुरू करते हैं सीखना, तो हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे करने से भी आवाज़ आ सकती है, डाउन 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 करने से भी। बट मैंने आपको डाउन अप बताया, उसका सिंपल सा रीज़न है कि जब आप डाउन अप स्ट्रोक को इस तरह से तेजी से करेंगे तो एक टर्म बन जाती है जिसे ट्रेमोलो कहते हैं, टी आर ई एम ओ एल ओ। ये कई गानों में यूज हुआ हुआ है, ये पोर्शन कई गानों में यूज हुआ हुआ है। जब आप स्पीड बढ़ा देंगे तो ये इस तरह से साउंड देगा। अभी आपको मैंने सिंपल बताया कि आप इसको सिर्फ डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। आप इसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे जितना अच्छा करेंगे, बट सफाई के साथ होना चाहिए। ये नहीं हो, ये हो, और आप जब इसको कर रहे हैं तो आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप सामने देख के इसको बजाएं, ना कि ऐसे। इस तरह से रॉन्ग प्रैक्टिस मानी जाएगी, क्योंकि जब आप नीचे देख के बजा रहे हैं आपको पता ही नहीं है सामने आपके कौन बैठा है कौन नहीं है। जब आप सामने देख के प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको सामने देख के बजाने में आसानी से बज रहा है, तो दैट मीन्स आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। और इसकी प्रैक्टिस आपको हर दिन कम से कम 45 मिनट्स करनी है, 45 मिनट्स पर डे, टिल जब तक तैयार नहीं हो जाती। तो ये हमारा पहला आपको प्रैक्टिकल लेसन था। डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला लेसन जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार के बारे में बताया गया कि स्पेनिश गिटार से क्यों कहा जाता है, और साथ में आपको पार्ट्स ऑफ द गिटार के बारे में बताया गया। और प्रैक्टिकल पहला लेसन जो हमें दिया गया, आपको दिया गया, उसमें था डाउन अप स्ट्रोक। आप उसको जरूर प्रैक्टिस करिए, और डू सब्सक्राइब मी ऑन निर्वाणा एंटरटेनर्स गिटार विद सुमित। अगले हफ्ते हम आपके सामने दोबारा पेश होंगे अपने नए लेसन के साथ, जिसमें गिटार की टेक्निकलिटीज और आगे के लेसन आपके लिए प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।